अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ साकिर बाबर। व्यूअर्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर 5 बायोडाइवर्सिटी सेक्शन से, और फर्स्ट ईयर का चैप्टर है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि फ़र्स्ट ईयर हमने स्टार्ट की है, सेल वाला चैप्टर जो पहले फर्स्ट ईयर्स में है, फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल में है, तो नाइन्थ में भी ये हेल्पफुल है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी नाइन्थ में भी है, और ये चैप्टर 5 बायोडाइवर्सिटी सेक्शन फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में भी है। तो हम पहले बायोडाइवर्सिटी का सेक्शन, इंट्रोडक्शन और वायरस का स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसके शेप्स और उस बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन, उसके बाद में हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिए, और आज हम पढ़ रहे हैं वायरस की जो साइकिल है, बैक्टीरियोफेज की जो लाइफ साइकिल है, जो वो वायरस। अच्छा, ये मैं लिख रहा हूँ, इस टॉपिक का नाम है लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल हैं किसकी? बेसिकली ये लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल ये बैक्टीरियोफेज की है। किसकी है? बैक्टीरियोफेज। जी हाँ, ये बैक्टीरियोफेज क्या है? ये एक ऐसा वायरस है, इसका एक किस्म है, वायरस का एक काइंड है जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है, उसको हम बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। टू ईट द बैक्टीरियल सेल, टू एनगल्फ द बैक्टीरियल सेल। और हम आ जाते हैं लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल, इसमें क्या डिफाइन किया गया है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि वायरसेस वायरुलेंट भी होते हैं, टेम्परेट भी होते हैं, मतलब इतने खतरनाक होते हैं ज़्यादा कि जिस होस्ट सेल के अंदर रह रहे हैं उसी को ही बर्स्ट कर देते हैं, और टेम्परेट इतने सुस्त होते हैं रफ्तार जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जितनी भी बैक्टीरियल सेल जो अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बाइनरी फिशन के ज़रिए, तो उस में जितना भी वो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो डीएनए है वो डिवाइड होता जाएगा, उसकी कैरियोकाइनेसिस होती जाएगी, न्यूक्लियस डिवाइड होता जाएगा, सॉरी न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड होता जाएगा, तो उस न्यूक्लियर मटेरियल जो डीएनए है उस डीएनए के अंदर भी ये फेज का डीएनए भी इंसर्ट होता जाएगा, और उसमें भी उसकी रिप्लिकेशन होती जाएगी, तो ऐसे ही उसका जो नस्ल है वो ज़्यादा हो जाता है। तो हम डिस्कस करते हैं आज लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल को। तो लाइसोजेनिक साइकिल, लाइटिक साइकिल, पहले हम ये स्टेप्स, व्यूअर्स आप जो देख रहे हैं ये स्टेप्स हैं, ये लाइटिक साइकिल का स्टेप्स हैं, और लास्ट में देख रहे हैं कि इस सेल में ये सेल को बर्स्ट कर रहा है, सेल को बर्स्ट कर रहा है, उसकी वाल, उसकी मेम्ब्रेन को रप्चर करके सेल के जो वायरस हैं, टेडपोल वायरस, जो बैक्टीरियोफेज के वायरस है जो रेप्लिकेट करके वो बर्स्ट कर जाता है। तो वन बाय वन इस स्टेप को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला स्टेप आ जाता है फेज डीएनए। अच्छा, फेज डीएनए वो होता है जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, टेडपोल वायरस जिसको कहते हैं, उसको फेज डीएनए कहते हैं। पहली बारी जो होती है उसकी अटैचमेंट की होती है, यहाँ पे ये अटैचमेंट करता है, अटैचमेंट सेल और सेल मेम्ब्रेन की वाल के, सेल वाल के ऊपर अटैचमेंट करता है, और पिंस, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि टेडपोल स्ट्रक्चर में ये एक स्ट्रक्चर पिंस पाए जाते हैं, पिंस, वो पिंस के ज़रिए इसको परफोरेट करता है। इसकी परफोरेशन करने के बाद जो जेनेटिक मटेरियल है वो इंसर्ट करता है। तो दूसरा स्टेप, पहला स्टेप क्या आया? अटैचमेंट करता है थ्रू द टेल फाइबर्स, अटैचमेंट करके और पिंस के ज़रिए इसकी परफोरेशन करता है सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल को। परफोरेशन का मतलब ऐसे है कि जो सुराख कर, सुराखदार उसको बनाता है, जैसे अपना जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो न्यूक्लिक एसिड अपना इंसर्ट कर सके, इसलिए परफोरेट करता है। उसके बाद में दूसरा जो होता है पेनिट्रेशन इंसर्शन, पेनिट्रेशन इंसर्शन करता है कि जैसे वो सुराख हो जाते हैं तो उसमें पेनिट्रेशन प्रोसेस के बाद इंसर्शन होती है। इंसर्शन का मतलब है जो फेज का जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, वो बैक्टीरियल सेल के डीएनए के अंदर आ जाता है, इस प्रोसेस को पेनिट्रेशन इंसर्शन कहते हैं। उसके बाद, और ये अगर लाइटिक साइकिल है तो इसमें क्या होगा? रेप्लिकेशन, जो ये फेज का डीएनए जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट हो चुका है, इंसर्शन, पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, उसके बाद में तीसरा स्टेप ये आ जाएगा। जब ये इंसर्ट हो जाएगा तो अंदर जाके रेप्लिकेशन प्रोसेस होगा, न्यू फेज डीएनए सिंथेसाइज होगा और प्रोटीन कोड सिंथेसाइज होगा। अब देखें, इसमें ये मैं कॉम्प्लिकेशन है, एक मैं बता रहा हूँ कि मैंने पहले बताया था कि जो बैक्टीरियल बैक्टीरियोफेज वायरस है वो बैक्टीरिया को इनगल्फ, बैक्टीरिया के ऊपर अटैचमेंट करके और अंदर जाता है,
जेनेटिक मटेरियल उसका क्या करता है, उसका जो वायरल जीनोम होता है वो उस बैक्टीरियल सेल्स के एंजाइम्स यूज़ करते हैं। एंजाइम यूज़ करने के बाद अपनी जेनेटिक मटेरियल जो जीनोम है उसकी कॉपी करता है, उसको भी रेप्लिकेट करता है। जैसे कि इसने अंदर ये दाखिल कर दिया तो इसकी एक और रेप्लिकेशन करेगा यहाँ, मतलब इसका न्यूक्लिक रेप्लिकेशन करने के बाद इसके ऊपर प्रोटीन का कोट बनने जा रहा है। प्रोटीन का कोट जो कैप्सिड है, जेनेटिक मटेरियल कॉपी हो गया, उसके बाद उसके ऊपर प्रोटीन का कोट बनेगा और प्रोटीनस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं शीट वगैरह वो टेल फाइबर्स बनने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जीन जो जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट हो चुका है, उसके बाद इसके अंदर रेप्लिकेशन हो चुकी है। आप देख रहे हैं रेप्लिकेशन का मतलब है कि रेप्लिकेशन इसमें काफ़ी सारे ये जेनेटिक मटेरियल, काफ़ी सारे ये जो बैक्टीरियो फेज हैं, जो टेडपोल वायरस हैं, वो इंसर्ट हो यहाँ पे उसकी बहुत सारी रेप्लिकेशन हो चुकी है। पहले ही बताया कि रेप्लिकेशन क्या करती है, ये जेनेटिक मटेरियल अंदर आके इसकी इस सेल के इन सेल के क्या करता है, इस सेल के एंजाइम्स यूज़ करता है। एंजाइम यूज़ करके अपनी रेप्लिकेशन करवाता है, रेप्लिकेशन के बाद उसके ऊपर प्रोटीन का कोट बना देता है। तो ऐसे एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, ऐसे सो ऑन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे सेल के अंदर काफ़ी सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारे हो जाएंगे। इस स्टेप को जो थ्री स्टेप है इसको कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में क्या आता है, न्यू फेज जो डीएनए है, जो ये न्यू फेज डीएनए वो सिंथेसाइज होगा और प्रोटीन कोट की सिंथेसिस होगी। एक फेज डीएनए आ गया, उसके ऊपर ये प्रोटीन कोट सिंथेसाइज होगा। तो ये प्रोसेस होता है नंबर थ्री स्टेप्स में, इसको रेप्लिकेशन स्टेप कहते हैं। उसके बाद में लास्ट स्टेप हो जाता है सेल लाइसिस फेज डीएनए रिलीजेस। इतने ज़्यादा हो जाते हैं और ये एक लाइटिक साइकिल है, तो इसमें जो वायरस बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वो वायरुलेंट होते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि वायरुलेंट वायरस उसको कहते हैं जो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, जिस सेल के अंदर रह रहे हैं उस सेल को बर्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं और ये वायरुलेंट है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये इस सेल को बर्स्ट करके, उसकी सेल मेम्ब्रेन सेल वाल को बर्स्ट करके बैक्टीरियल सेल को और बाहर निकल रहे हैं। तो इसको कहेंगे सेल लाइसिस फेज रिलीजेस। और एक सेल बर्स्ट करने से 100 से 200, जी हाँ, 100 टू 200 फेज पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। तो ये आ गया लाइटिक साइकिल। अब लाइसोजेनिक साइकिल में भी स्टेप्स बहुत सेम ही है, प्रोसेस सेम ही है। पहले अटैचमेंट होगी, अटैचमेंट के बाद में, जैसे कि पहले यहाँ पे उसके बाद में इंसर्शन होगी, ये स्टेप इसका ही सेम ही है। इसमें क्या होगा, पेनिट्रेशन होगी, इंसर्शन होगी। इंसर्शन करने के बाद ये जेनेटिक मटेरियल जो फेज डीएनए का है वो इस के डीएनए से मिक्स हो जाएगा। यहाँ क्या स्टेप आ गया, पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है और तीसरा स्टेप ये है। पहले में अटैचमेंट की, टेम्परेट लाइसोजेनिक साइकिल की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेट वायरस प्रोड्यूस होते हैं जो इस साइकिल में। अटैचमेंट हो रही है, अटैचमेंट के बाद स्पिन्स के जरिए अटैचमेंट हुई, जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट हुआ और ये जेनेटिक मटेरियल अंदर आया, इस पेनिट्रेशन इंसर्शन प्रोसेस के जरिए अंदर आके इंटीग्रेट हो गया बैक्टीरियल डीएनए के साथ। इंटीग्रेट का मतलब है कि जो फेज का डीएनए अंदर आया उस बैक्टीरियल सेल के डीएनए के अंदर मिक्स हो गया, मतलब उसके अंदर मिक्स हो गया। ये देख रहे हैं कि ये जो रेड कलर का है ये फेज डीएनए ने बनाया, उसका जो ब्लू कलर का है ये बैक्टीरियल का डीएनए है। तो बैक्टीरियल डीएनए के साथ फेज का डीएनए मिक्स हो गया है। अब टेम्परेट वायरस है, ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता इस सेल को, मगर इस सेल के अंदर अब ये बैक्टीरियल सेल अगर डिवाइड करता है, आपको पहले बताया था, हम आगे जाके पढ़ेंगे किंगडम प्रोकैरियोटी में, तो बैक्टीरियल सेल जो कैसे डिवाइड होते हैं, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है इसका, जिसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। तो बाइनरी फिशन के जरिए ये स्प्लिट होते हैं टू में, डिवाइड होते हैं टू में। पहले इसका जेनेटिक मटेरियल, जो ये बैक्टीरियल सेल की बात कर रहा हूँ, इसका जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है दो में। उसके बाद इसकी जो है ना क्लीवेज लगती है, या मेम्ब्रेन वाल और मेम्ब्रेन जो है ना पिंच्ड इनवर्ड मूव करते हैं। जैसे कि हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि पहले कैरियोकाइनेसिस हो जाती है, फिर साइटोकाइनेसिस होती है, तो यहाँ से साइटोकाइनेसिस हो रही है। तो मैंने आपको इसमें बताया कि जो बैक्टीरियल डीएनए अंदर आया, उसके बाद में ये इंटीग्रेट हो गया इस सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के डीएनए के साथ ये फेज वाला जो डीएनए है वो ये इसके साथ क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया, मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद में अगर ये सेल बैक्टीरिया का सेल है डिवाइड करेगा, तो फेज का डीएनए इस बैक्टीरियल सेल में भी होगा, इस बैक्टीरियल सेल में भी होगा। देख रहे हैं ये बाइनरी फिशन होगी, तो बाइनरी फिशन में क्या होगा, एक सेल अलग हो जाएगा, एक सेल अलग हो जाएगा। अगर ये बाइनरी फिशन हमने करवा दिए, यहाँ पे फर्ज करो, तो
ये फेज का ये बैक्टीरियल सेल का डीएनए है, तो ये क्या है, और इसके ऊपर जो है ये क्या है, ये हम फेज का डीएनए आ गया। तो मतलब ये जितनी भी बाइनरी फिशन करता जाएगा, उस बाइनरी फिशन के ज़रिए जो भी सेल्स दो दो बनते जाएंगे बैक्टीरियल सेल में, उस बैक्टीरियल सेल के अंदर जो डीएनए होगा उसमें इंटीग्रेट होगा फेज का डीएनए। तो ऐसे भी ये टेम्परेट होते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रहते हैं, और ये उसके अंदर जो है अपनी कॉपीज़ करते जाते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल, उस जेनेटिक मटेरियल मिक्स करते, जैसे उसकी डीएनए की कॉपी होती जाती है, तो ये ऐसे ही चलते रहते हैं। तो ये हमने लिखा है, मैनी सेल्स प्रोड्यूस कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया विथ इन्फेक्टेड फेज। ये काफ़ी सारे जो सेल्स हैं ये क्या करते हैं, कॉलोनीज बैक्टीरिया की कॉलोनीज में बनाते हैं और उसमें इन्फेक्टेड करते हैं फेज का डीएनए, इन्फेक्टेड करते जाते हैं। ये मैंने इसमें लिखा कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस, ये बैक्टीरिया से रिप्रोड्यूस करता है नॉर्मली बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी फिशन प्रोसेस, कॉपिंग द फेज डीएनए इनटू डॉटर सेल्स। ये फेज का डीएनए इसके डॉटर सेल्स में कॉपी होता जाएगा। तो व्यूअर्स, ये लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल का ओवरव्यू था, और आई होप ये जो टॉपिक है आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा और आ भी गया होगा। जो कंसंट्रेट करते हैं वो उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये डायग्रामेटिकली व्यू में लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल है जो बैक्टेरियोफेज वायरस की होती है। तो आज हमने ये लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल को कंप्लीट किया। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।